जी हाँ, नमस्कार साथियों। एक और बड़ी खबर सीकर जिले से मिल रही है। जिले से एक और बड़ा मामला सामने आ रहा है। दरअसल मामले की जांच करे पुलिस का कहना है कि खाटू श्याम जी दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन बीच रास्ते में ही सड़क फिड़ंत का बड़ा मामला सामने आ रहा है। सूचना मिलने पर सीकर के रानौली थानाधिकारी कैलाश चंद्र में जाब्ता मौके पर पहुंचे। उनका कहना है कि दरअसल घटनाक्रम NH 52 तनुश्री होटल के पास आज सुबह 6:30 बजे का बताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नवनीत, आशीष, मंजीत और राज गोविंद ये सभी सवार होकर I-20 कार में चरखी तादरी से खाटू श्याम जी दर्शन करने जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में बैलेंस बिगड़ने के चलते सड़क किनारे खड़े ट्रेलर में कार जा घुसी और यह अंजाम मिला है। वहीं तेज आवाज के चलते शोर शराबे की आवाज हुई तो ग्रामीण लोग मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद सभी को बाहर निकाला गया। सभी को राज के CH लाया, जहां पर उन्हें घोषित कर दिया था। इसके बाद सभी को परिजनों की सूचना दी। वहीं परिजन आने के बाद ही मेडिकल मुआयना कर सुपुर्द कर दिया जाएगा। मामले की जांच कर रहे थानाधिकारी कैलाश चंद्र ने बताया कि सभी चरखी दादरी में कॉलेज के BMS स्टूडेंट हैं, जो सभी BMS की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन दोनों खाटू श्याम जी के दर्शन करने जा रहे थे, लेकिन तेज रफ्तार के चलते ये अंजाम मिला है। फिलहाल पुलिस प्रशासन द्वारा अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। सो दोस्तों, आप सभी को इस प्रकार की खबर दिखाना, विचलित करना नहीं और ना ही आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, बल्कि समाज में घटित होने वाली सभी घटनाओं से सचेत रखना है। सो दोस्तों, प्रदेश भर की तमाम खबरों के लिए बने रहिए चैनल से। अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।